हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम सिनोनिम्स करेंगे, जो कि वर्ड के से शुरू होते हैं। ये 8th एपिसोड है हमारा वोकैब वर्ल्ड में। प्रीवियस वीडियोस अगर आपको एक्सेस करनी है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ से आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियोस हर फ्राइडे को अपलोड होती हैं, ठीक है, वोकैब वर्ल्ड की, जिसमें हम 20 से 30 वर्ड्स एक बारी में सीखते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ये मैं हिंदी में भी आपको वर्ड्स बताते हूँ, ठीक है, मीनिंग इनके। तो अब इस सेशन को हम आज के स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला वर्ड नैक, KNACK, नैक। नैक का मतलब होता है हिंदी में अगर हम देखें तो कुशलता। या फिर आदत, एक हैबिट। इंग्लिश में इसकी मीनिंग्स देखें तो डेक्सटेरिटी, स्किल, टैलेंट, फ्लेयर, एक्सपर्टीज, ऑल थम्स। सुचेंद्र इज ऑल थम्स मीन सुचेंद्र इज ऑल थम्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, मतलब ही हैज़ अ नैक फॉर राइटिंग, हैव अ गुड हैंड राइटिंग। नेक्स्ट नेव, KNAVE, नेव। नेव का मतलब होता है धूर्त या फिर दुष्ट। इंग्लिश में इसके मीनिंग्स होते हैं स्काउंडल, रास्कल। इसकी स्पेलिंग गलत है, RASCA, रास्कल, या फिर कोई बेलन, ठीक है। आगे कियोस्क, KIOSK, कियोस्क। कियोस्क का मतलब होता है बूथ, जैसे टेलीफोन बूथ हो गया, या फिर मेले में आपने स्टॉल्स वगैरह देखे होंगे तो उन्हें कियोस्क कहते हैं। बूथ, काउंटर या स्टॉल इज नोन एज कियोस्क। आगे कूडोज, KUDOS, कूडोज। कूडोज का मतलब होता है प्रशंसा, या फिर कह लो चीयर्स करना। कमेंडेशन, किसी को मतलब किसी की बढ़ाई करना, किसी को मतलब तारीफ करना किसी की। प्रेज, यूलॉजी, इनकोनियम। इनकोमियम का मतलब भी यही होता है कि किसी को प्रशस्ति पत्र देना। आगे नेल, KNELL, नेल। नेल का मतलब होता है समाधि वाली घंटी। समाधि वाली जो घंटी होती है उसे हम नेल कहते हैं। बेल, रिंग या फिर साउंड जो डेथ नेल पे बजती है, यानी किसी की मृत्यु के बाद जो घंटियाँ बजती हैं शोक में, उसे हम नेल कहते हैं। कैन, KEN, कैन, KEN, कैन। कैन का मतलब होता है ज्ञान या फिर विद्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है अवेयरनेस, किसी के बारे में जागरूकता, नॉलेज, ज्ञान, कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब भी विद्या। आगे नीड, KNEAD, नीड। नीड का मतलब होता है गूंथना, 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 ठीक है। पमिल, पाउंड, क्रश, क्रश दबाना, पमिल करना। आगे क्लेप्टोमेनिया, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, ठीक है। किसी चोरी करने की बीमारी को हम क्लेप्टोमेनिया कहते हैं। इसके और क्या मीनिंग्स हैं, स्टीलर, इरेजिस्टिबल, अर्ज टू स्टील। स्टील की स्पेलिंग ये गलत है, STAL, स्टील होगा, चुराना। किंडर, किंड्रेड, KINDRED, किंड्रेड। किंड्रेड का मतलब होता है आत्मीय, आत्मीय या फिर भाईचारा। इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिलेटिव्स, किथ एंड किन। देखो ये दो केस है और वर्ड्स आ गए, किथ एंड किन, ठीक है। आगे किंडल, KINDLE, किंडल। किंडल का मतलब होता है प्रज्वलित करना, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे इनफ्लेम, एजिटेट करना, किसी को उत्साहना, उत्सुक
तव करना, प्रवोक का मतलब यही, और इनसाइट, ठीक है। कैम्प्ड, KEMT, कैम्प्ड, कैम्प्ड का मतलब है सुंदर। नीट, क्लीन, टाइडी, ऑर्डरली, स्पिक एंड स्पैन, क्लीन है ना, साफ। कैम्प्ड, विद्या हैज हर रूम केप्ट कैम्प्ड, ठीक है। कर्नल, KERNEL, कर्नल, कर्नल का मतलब होता है मूल। जैसे आपने कंप्यूटर में देखा होगा, उसका कर्नल होता है, एक मेन ऑपरेट, मेन वो होता है, बॉडी, जो ऑपरेट करती है, ठीक है। मूल, किसी का फंडामेंटल, जो मेन पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट, कर्नल। नेट, KINIT, नेट, नेट यानी बोलना। आप देख रहे होंगे इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं मैक्सिमम उनमें के साइलेंट रहता है, तो नेक्स्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होती है। यूनिफाई यानी एकजुट करना। नेक्स्ट काइनेटिक, KINATIC, काइनेटिक, काइनेटिक मतलब गतिज, गतिज यानी कि एक्टिव, बहुत एनर्जी से भरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट किनशिप, KINSHIP, किनशिप, किनशिप का मतलब होता है समानता या फिर रिश्तेदारी। इंग्लिश में इसका मतलब होता है फैमिली, रिलेटिव्स, जो लाइकिंग या एफिनिटी या फिर एक साथ रहने वाले, किनशिप कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉल, KNOLL, नॉल, नॉल का मतलब होता है टीला या फिर पहाड़ी। ये ऐसे ये हो गया नॉल, पहाड़ी। स्मॉल हिल्स या हिलॉक माउंट इज नोन एज नॉल। नेक्स्ट नॉटी, KNOTTY, नॉटी, नॉटी वाला शैतान वाला नहीं, वैसे नॉटी का मतलब होता है विकट या फिर जटिल, जटिल यानी कि एडमेंट, कॉन्वोल्यूटेड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, ठीक है। जैसे ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे गांठ लगी हुई होती है, तो इट्स नॉटी से देख लो, गांठ लगी हुई, मुश्किल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स, किक ऑफ, KIKKICKOFF, किक ऑफ, किक ऑफ यानी शुरू करना, ठीक है। स्टार्ट करना, कोई क्वेरल स्टार्ट करना, क्विक ऑफ मतलब दे हैड अ किक ऑफ, क्वेरल भी नहीं, कोई बैटल कह लो, कि किक ऑफ होता है आपके फुटबॉल में, मैच में हो गया, या फिर किसी भी मतलब लड़ाई में किक ऑफ। आगे नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान, ये तो सबको ही पता होगा। कॉग्निजेंस, एक और इसका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट नेल, क्विल, सॉरी, KWELL, क्विल, क्विल का मतलब होता है खुशी, इट मीन्स हैप्पी। नेक्स्ट नाइटली, KNIGHTLY, नाइटली, नाइटली यानी बहादुर, जो बहादुरी कर रहा हूँ, ठीक है। चिवलर्स, ब्रेव। किकी, KICKY, किकी, किकी का मतलब होता है प्रचलित, यानी जो चलन में हो आजकल, ठीक है। फैशनेबल, ट्रेंड, इन वोग, फैड, जैसे कि आजकल आपकी वाइड लेग पैंट्स आर किकी, मतलब दे आर इन वोग, दे आर इन फैशन। आगे किथ, KITH, किथ, किथ का मतलब होता है स्वजन या फिर संबंधी। ये हमने इसके तीन वर्ड्स और पढ़ लिए है ना, सिनोनिम्स, किथ, कंसैंग्विटी, ब्लड रिलेशनशिप या फिर फैमिली। नकल, KNUCKLE, नकल, नकल का मतलब होता है जोड़ या फिर गांठ। जैसे आपने उंगलियों में देखा होगा, जो बने हुए होते हैं, नकल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो आप उनको चटकाते हैं तो वो चटक जाते हैं, तो उन्हें हम नकल कहते हैं। इंग्लिश में हो गया बाउ, सरेंडर करना या फिर कैप्चुलेट करना, ठीक है।
यही थे हमारे सारे लेटर के ऐसे वर्ड्स, ठीक है। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और एग्जाम जर्नल को सब्सक्राइब करिए और जितना अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और एग्ज़ाम जर्नल में और भी SSC रिलेटेड कंटेंट होता है तो आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करिए। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट फ्राइडे विद नेक्स्ट लेटर। बाय बाय।